ओके, तो कल अपन ने स्टार्ट किया था माइक्रोवेव्स, और इसमें हमने कुछ बेसिक माइक्रोवेव्स के देखे थे, जिसमें कि माइक्रोवेव्स की क्या आवश्यकता है हमने देखा था, क्यों, उसके क्या फायदे हैं, और जो लो फ्रिक्वेंसी है, लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स में हमको क्या प्रॉब्लम आती है, और माइक्रोवेव में हमें उसमें किस तरह से फायदा पहुंचता है, वो चीजें देखी थी। फिर हमने देखा था इसका स्पेक्ट्रम, माइक्रोवेव का स्पेक्ट्रम अपन ने देखा था कि ये रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स के बीच में आता है ना, इस स्पेक्ट्रम को हमने देखा था, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स माइक्रोवेव्स की देखी थी, कुछ अपने यूनिट्स के बारे में देखा था, कुछ फिजिकल कॉन्स्टेंट जो हम यूज करेंगे आगे चैप्टर्स में वो हमने देखे थे, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम का बैंड हमने देखा था 200-300 GHz, हमने कहा था उसके बारे में, फ्रॉम 1 GHz, और कुछ माइक्रोवेव रीजन्स, उनके बैंड डिजिग्नेशंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग-अलग तरीके से, जैसा लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, वो सारी चीजें अपन ने इसमें देखी थी अपने पिछले लेक्चर में। अब अपन आते हैं इसमें जो पहला पॉइंट है यहाँ पे अपना, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ माइक्रोवेव्स, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हम फिर से वही चीज थोड़ी सी दोहराएंगे, इसमें हम एक एक चीज लेते हैं। तो अब पहला पॉइंट अपन ले रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर का। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो अपन ने देखा था, जो मेन फीचर है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो क्या था, कोई भी बता सकता है मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर? हाई फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट वेवलेंथ। वेरी गुड, शाबाश। है तो क्या था, हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेवलेंथ। एंड शॉर्ट वेवलेंथ, ये इसके मेन फीचर है। ठीक है ना, है। और इसके कारण इसके बहुत सारे फायदे हैं, जो वेवलेंथ जो है वो स्मॉल है इसकी, ठीक है ना, तो उसके कारण कुछ दिक्कत भी होती है। किस तरह से होती है कि जैसे यदि लार्ज वेवलेंथ हो तो इस तरह से वेव जाएगी लार्ज वेवलेंथ में, या किलोमीटर्स में, मीटर्स में है, तो जो फेज चेंजेस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो फेज चेंज जो है वो बहुत ही स्लोली बदलेगा, है ना, बिल्कुल ऐसी चलेगी वेव इस तरह से। तो ये जो फेज बदलेगा यहाँ से यहाँ तक, वो जो है उसमें डिफरेंस जो है वो काफी कम होगा। परंतु तो जब हाई फ्रिक्वेंसी की वेव अपन ले रहे हैं, गीगाहर्ट्ज में हम वेव ले रहे हैं, तो फेज जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, और ये जो फेज जल्दी जल्दी बदलता है इसके कारण जो टेक्निक हम हमारी स्मॉल वेवलेंथ की वेव्स में यूज कर रहे हैं, वो टेक्निक हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने स्मॉल वेवलेंथ में अपन ने लिया था एलसीआर सर्किट लिया था, मैंने आपको बताया था कल एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट में हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ये जो पूरा सर्किट है इसमें किसी भी पॉइंट पे वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो काफी कम है, ठीक है ना, इसलिए वो धीमे धीमे उसमें चेंजेस आते हैं, ये चीज अपन ने देखी थी। परंतु तो यहाँ पर जब हाई फ्रीक्वेंसी है और ये चेंजेस होंगे, तो हम इस तरह के सर्किट को एज ए रेजोनेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके लिए हमें स्पेशल सर्किट जो है वो डिवाइस करने पड़ते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो एनालिसिस अपन करते हैं कि हमने किरचॉफ्स लॉ का यूज किया था, है ना, तो जो हमारे जो पिछले जो हमने जो सीखा है उसमें किरचॉफ्स लॉ, जो वोल्टेज करंट के जो कंसेप्ट है इनका जो हम यूज करते थे, वो उनका यूज हम यहाँ पर माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी में नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो द एनालिसिस बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉज एंड वोल्टेज करंट कंसेप्ट्स आर नॉट एडिक्वेट टू डिस्क्राइब द सर्किट बिहेवियर एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए हमको इस सर्किट को एनालाइज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, वी हैव टू यूज द कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, मतलब मैक्सवेल्स इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे हमें इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेते हुए। ओके, तो ये था आपका
ये पिछला जो ये पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ माइक्रोवेव्स, अब अपन आते हैं दूसरे पॉइंट पे एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव्स, ठीक है ना। अब एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव्स में एक एक एडवांटेज अपन लेंगे, और एडवांटेज किस कारण से है, एडवांटेजेस इसकी इसी कारण से है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है और वेवलेंथ जो है वो काफी शॉर्ट है, तो इसकी जो डिसएडवांटेज है वो तो अपन ने देखी ली, पर अब इसकी एडवांटेजेस क्या है वो भी अपन यहाँ पर देखते हैं। तो पहली एडवांटेज जो है दैट इज इम्प्रूव्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इम्प्रूव डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज जो है ओके, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज है, डायरेक्टिव का मतलब डायरेक्शन है। तो यहां पर जो डायरेक्शन इंप्रूव डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज जो वेव्स आ रही है जो माइक्रोवेव्स आ रही है, ठीक है, तो उसकी जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है वो जो स्मॉल फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं उनकी तुलना में बहुत अच्छी है। इसका मतलब क्या हुआ वो देखें, ठीक है ना। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि अपन जैसे ऑर्डिनरी लाइट लेते हैं तो अपन जानते हैं कि जैसे मान लीजिए टॉर्च है ना, टॉर्च है, तो टॉर्च से जब लाइट फेंकते हैं तो वो लाइट क्या होती है, इस तरह से फैल जाती है, है? ये देखा होगा आपने। परंतु यहां पर जो माइक्रोवेव है इसकी हाई फ्रिक्वेंसी होने के कारण ये जो इसका मान लीजिए सोर्स है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। आपने जैसे लेजर बीम देखी होगी ना, है? लेजर बीम आप देखते हैं उसका बहुत कम फैला होता है, उसी तरह से माइक्रोवेव का भी जो है वो बहुत कम फैला होता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो बीम विड्थ है, अब दिस इज द बीम विड्थ है ना, बीम की जो विड्थ, दिस इज योर बीम विड्थ, दिस इज बीम विड्थ है, तो ये यहाँ पे बहुत जल्दी बढ़ जाती है और यहाँ पे ये जो बीम विड्थ है वो कम है। सो ये जो बीम विड्थ है इस रेडिएशन पैटर्न की, दैट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अपॉन डी, ओके है। तो लैम्डा कम हो गया ना, लैम्डा कम हो गया शॉर्ट वेवलेंथ, तो बीम विड्थ भी क्या हो गई, कम हो गई। और यहां पर डी क्या है, डी इज द डायमीटर ऑफ द एंटेना, डायमीटर ऑफ द एंटेना, ठीक है। एंटेनास के बारे में भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, परंतु अभी आप इसको ध्यान में रखें। तो इस तरह का रेडिएशन पैटर्न होता है कि बीम विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अपॉन टी, दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, राइट। कौन सी प्रॉपर्टी थी, है इंप्रूव्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। देन सेकंड प्रॉपर्टी जो है अपनी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, लेट अस सी सेकंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, स्मॉल साइज एंटेना, ठीक है ना, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। सो लेट अस सी दिस, सो सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज स्मॉल साइज एंटेना, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। अब जो साइज है, ठीक है ना, जो एंटेना अपन लेते हैं, तो बीम विड्थ जो है वो, उसका रिलेशन जो है वो कुछ इस तरह का है, बी इज इक्वल टू 140 डिग्री अपॉन डी बाय लैम्डा, और यू कैन राइट दिस एज वन डायमीटर अपने चाहिए साइज, सॉरी, तो डायमीटर के लिए अपन यूं कर सकते हैं,
Okay. So second point. Second point is kya tha? Small size antenna. Okay. So microwaves, they allow to decrease the size of the antenna. अब कैसे? तो इसका रिलेशन जो है, जो आप लोग एंटेना जब पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा, तो वो अपन रिलेशन यहां ले लेते हैं. पहले B is equal to 140 degree divided by D upon lambda. Okay. So here D is the diameter of the antenna, B is the beam width. ये हमने बता दिया आपको. तो डायमीटर यहां पर जो D है, D is the diameter of antenna. ये अपन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पर लेते हैं समझने के लिए. इन सेंटीमीटर्स, लैम्डा इज योर वेवलेंथ, वेवलेंथ इन सेंटीमीटर्स, एंड बी इज द बीम विड्थ, बीम विड्थ इन डिग्रीज. ओके. सो अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए एट 30 गीगाहर्ट्ज़, ओके, 30 गीगाहर्ट्ज़ पर यदि आप लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा कम्स आउट टू बी 1 सेंटीमीटर. ओके. एंड सपोज वी वांट टू सी फॉर 1 डिग्री बीम विड्थ. तो बीम विड्थ तो आपको समझ में आ गया कि बीम विड्थ से हम मतलब क्या है यहाँ पे. तो यदि हम 1 डिग्री बीम विड्थ ले रहे हैं तो हमारा जो डायमीटर ऑफ द एंटेना है फ्रॉम दिस रिलेशन, है ना, इस रिलेशन से अपन लिख सकते हैं 140 अपॉन बी इंटू लैम्डा. ओके. सो दैट बिकम्स 140, ये तो डिग्री हो ही गई आपकी, और बीम विड्थ अपन ने 1 डिग्री लिया है तो 1 ले लिया, इंटू लैम्डा इज 1 सेंटीमीटर. सो दिस बिकम्स योर 140 सेंटीमीटर्स. ओके. देन वी टेक अनदर एग्जाम्पल एट 300 मेगाहर्ट्ज. ओके. एट 300 मेगाहर्ट्ज जो लैम्डा है दैट बिकम्स 100 सेंटीमीटर. आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा घर पे. फॉर अगेन वी टेक 1 डिग्री बीम विड्थ. ओके. देन वी कैलकुलेट डी फॉर दिस. सो दैट कम्स आउट टू बी 140 अपॉन 1 into 100. सो दैट बिकम्स 140 meters. So now you can see the difference. है? क्या दिख रहा है कि 300 megahertz यदि अपन ने लिया frequency को, मतलब low frequency ली, तो low frequency ली तो जो antenna में use करना पड़ेगा उसका जो diameter होगा that will be 140 meters. और जबकि यदि हम frequency 30 gigahertz use करते हैं तो हमारा जो diameter निकलता है antenna का that is only 140 centimeters. ठीक है ना? है? तो इस तरह से हाई फ्रीक्वेंसी के केस में हम क्या देखते हैं कि हमें एंटेना का जैसे जो साइज है वो स्मॉल साइज से हमारा काम चल जाएगा. ठीक है ना? काफी स्मॉल साइज हो गया. एक तो 140 मीटर है और दूसरा कितना हो गया, 140 सेंटीमीटर. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ठीक है ना? सो अब जब एंटेना छोटा हो गया तो उसके कारण क्या होगा, उसका फायदा क्या मिलेगा अपने को, कि एंटेना जो छोटा होने के कारण जो माइक्रोवेव एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी. है ना? एंटेना छोटा हो गया तो माइक्रोवेव एनर्जी वो इतने में ही कॉन्सेंट्रेट हो गई, और यदि एंटेना बड़ा होता तो माइक्रोवेव एनर्जी पूरे पे होती. तो माइक्रोवेव एनर्जी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन हो गया उसका एक बहुत ही स्मॉल एरिया में, और स्मॉल एरिया में कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल जो है, जो घर में आप माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं तो माइक्रोवेव ओवन बहुत छोटी सी होती है
और उसके अंदर जो है वो माइक्रोवेव जो है कॉन्सेंट्रेट होकर और जो भी फूड आप रखते हैं उसको हीट करने का और उसको पकाने का काम करती है, ठीक है ना। दूसरी चीज है एंटेना गेन, है ये तो स्मॉल साइज देख लिया अपन ने एंटेना का, उसके बाद हम देखेंगे एंटेना गेन। तो एंटेना गेन किस तरह से अफेक्ट होता है वो देखते हैं। सो लेट अस सी नाउ एंटेना गेन, ये शायद मैंने वहां पॉइंट्स में मेंशन नहीं किया था, इसको भी ले लेते हैं एंटेना गेन। ओके, सो एंटेना गेन का जो रिलेशन है दैट इज गिवन बाय जी, दैट इज इक्वल टू 4 pi ae अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ओके, जहां पर ए जो है दैट इज योर एंटेना एपर्चर, इट इज कॉल्ड एंटेना एपर्चर। ओके, एंड पावर रेडिएटेड, पावर रेडिएटेड दैट इज गिवन बाय पी आर, दैट इज इक्वल टू म्यू जीरो पाई स्क्वायर आई जीरो स्क्वायर इंटू एल बाय लैम्डा होल स्क्वायर। हियर एल दैट गिव्स यू लेंथ ऑफ द एंटेना, एंड I0 इज एसी करंट विच इज रिक्वायर्ड। एसी करंट दैट इज रिक्वायर्ड। सो नाउ व्हाट विल हैपन, यहां पे आप देख रहे हैं कि जब ये जो लैम्डा है नीचे आ रहा है और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो लैम्डा क्या है स्मॉल है, और जब लैम्डा स्मॉल है तो जो पी आर है पी आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा, राइट। तो लैम्डा जब स्मॉल होगा तो पी आर हाई हो जाएगा, मतलब पावर रेडिएटेड दैट विल बी हाई, तो वी कैन से दैट द पावर रेडिएटेड इंक्रीजेस। सो विद लैम्डा स्मॉल पी आर इज मच हायर। सिमिलरली गेन यू कैन सी यहां पर गेन में कि गेन इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा स्क्वायर। सो व्हेन लैम्डा इज वेरी स्मॉल सो गेन विल बी हाई, सो हियर अगेन द सेम थिंग, व्हेन लैम्डा इज स्मॉल योर गेन दैट इज हाई, ठीक है। तो इस तरह से अपने को हाई गेन और हाई पावर के और डायरेक्टिव एंटेनास वो अपन यहां पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी, जिनका जो पॉसिबल नहीं है जब हम लो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज द एडवांटेज दैट स्मॉल एंटेना साइज एंड हाई डायरेक्टिविटी, राइट, दिस इज द एडवांटेज एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज। ओके, देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इंक्रीज्ड बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी। इसकी अपन ने कुछ बात कल भी की थी पिछले लेक्चर में। सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर थर्ड पॉइंट, इंक्रीज्ड बैंडविड्थ, BW लिख देते हैं शॉर्ट में, बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, ऑलराइट, इंक्रीज बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी कैसे, चलिए इसको भी देखते हैं अपन। माइक्रोवेव को चलो ले लेते हैं, मान लीजिए 1 GHz से लेके 100 GHz सपोज ले रहे, इतना ही रेंज ले लें सपोज, है ना, पूरी ना लेके अपन इतनी रेंज ले लें। तो अब देखते हैं किस तरह से है। तो इसमें जो है एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक
वीडियो सिग्नल यदि अपन लें किसी भी टीवी ट्रांसमिशन का, तो दैट रिक्वायर्स ए बैंडविड्थ ऑफ 6 मेगाहर्ट्ज़ है वीडियो सिग्नल. For TV transmission, ठीक है. So it requires a bandwidth of 6 megahertz. All right. अब क्या होता है, जैसे मैंने ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था आपको, अब ट्रेन में कई डब्बे हैं, डब्बों में अलग अलग सीटें हैं, एक एक सीट अलॉट की कर दी जाती है एक एक यात्री को, उसमें बैठने के लिए, लेटने के लिए एंड सो ऑन. उसी तरह से यहाँ पर भी जो फ्रीक्वेंसी, जो बैंडविड्थ है इसकी माइक्रोवेव की, है ना, जो अपन ने ये मान लो 100 गीगाहर्ट्ज़ लिए, ठीक है, तो ये क्या हो गई इसकी, ये पूरी ऑक्युपेंसी जो इसके अंदर हम दे सकते हैं किसी को भी, किसी सिग्नल के लिए या किसी ट्रांसमीटर के लिए. तो मान लीजिए कि अपन ये ले लें कि सपोज पहले एक छोटा वो ले लेते हैं कि एक 600 मेगाहर्ट्ज का कैरियर है, हैं, कैरियर मतलब ट्रेन हो गई आपकी, हैं, जिसमें कि 600 मेगाहर्ट्ज जो है इतनी फ्रीक्वेंसीज अलॉट की जा सकती हैं, इतनी दी जा सकती हैं. तो इसमें आप 600 मेगाहर्ट्ज में जो सिग्नल होगा उसकी कुछ बैंडविड्थ है, जैसे मैंने अभी बात की टीवी ट्रांसमिशन की, तो टीवी ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है कि 6 मेगाहर्ट्ज़ का बैंडविड्थ है एक सिग्नल की, है ना. तो यदि इस तरह से हम 6 मेगाहर्ट्ज़ का कैरियर लें, तो 6 मेगाहर्ट्ज़ के कैरियर में कितने सिग्नल आ जाएंगे ऐसे, कौन बताएगा? सिक्स हंड्रेड मेगाहर्ट्ज़ का कैरियर है ये, यहां से लेके यहां तक, राइट, और एक सिग्नल है 6 मेगाहर्ट्ज़ का, तो टोटल कितने सिग्नल ये अकोमोडेट कर सकता है? 100, गुड, ठीक है, 100 सिग्नल्स अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है. अब यदि मान लीजिए किसी ट्रांसमीटर को सिर्फ 6 मेगाहर्ट्ज ही दिया गया, तो वो सिर्फ क्या करेगा, एक ही सिग्नल तो ट्रांसमिट कर पाएगा ना, है ना. यदि इसका जैसे 6 मेगाहर्ट्ज की कैरियर है, तो उसका एक 6 मेगाहर्ट्ज मतलब कितना हो गया, 1%, 100 मेगाहर्ट्ज है? इसका 1% यदि अपन बैंडविड्थ ले लें, तो वो कितनी हो गई, 6 मेगाहर्ट्ज़. यानी इसमें सिर्फ एक ही सिग्नल जा सकता है इसके ऊपर, एक टेलीविजन चैनल का, तो वो क्या कर पाएगा, यदि मान लीजिए वो एक से ज्यादा ब्रॉडकास्ट करना चाहता है, तो वो इस पे नहीं कर पाएगा, ठीक है ना. तो लिमिटेशन हो गया, ओके. तो अब यदि मान लीजिए इसी की जगह हम कैरियर ले लें, बड़ा कैरियर ले लेंगे, मान लीजिए 60 गीगाहर्ट्ज़ का कैरियर ले लिया हमने, समझ में आ रही बात, 600 मेगाहर्ट्ज़ यहां से लेके यहां तक, और अब मान लीजिए यहां से लेके यहां तक अपन ने ले लिया कि 60 गीगाहर्ट्ज़ का कैरियर हमारे पास है, ठीक है, इतनी बड़ी ट्रेन है हमारे पास, हमें अकोमोडेट करना है लोगों को, ओके. तो 60 गीगाहर्ट्ज़ की यदि हमारे पास कैरियर है, तो इसका यदि हम 1% ही देना चाहते हैं किसी टीवी चैनल को, तो इसका 1% कितना हो जाएगा, 60 गीगाहर्ट्ज़ का 1%, कौन बताएगा? 1% 100 से डिवाइड कर दो, कितना हुआ, 0.6 गीगाहर्ट्ज़ हो गया ना, 0.6 गीगाहर्ट्ज़. और 0.6 गीगाहर्ट्ज़ को हम यहां पर, ये कितना हो जाएगा, 600 मेगाहर्ट्ज़. मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर, यस सर, ओके. तो हो गया ना ये 600 मेगाहर्ट्ज़. अब देखिए यहां पर एक चैनल को यदि हम 1% बैंडविड्थ देते हैं कि भाई हमारे पास जो कैरियर है उसमें से हम आपको 1% बैंडविड्थ अलाउ करेंगे, तो 1% में वो चैनल जो है अब कितने चैनल दिखा सकता है ट्रांसमीटर, 100 चैनल्स. समझ में आ गई बात, माइक्रोवेव का फायदा क्या है, ठीक है ना. तो नाउ इट कैन ट्रांसमिट 100 चैनल्स, ठीक है. तो इस तरह से माइक्रोवेव जो है वो काफी
यूजफुल होती है. ओके, सो नाउ कुछ और एग्जांपल्स आपको दूं मैं इसमें. जैसे स्पीच है जो अपन बोलते हैं, तो एक मिनट इसको जगह. हाँ, तो बैंडविड्थ जो है स्पीच की, बैंडविड्थ ऑफ स्पीच, ठीक है, दैट इज नियरली 4 kHz, राइट. म्यूजिक की यदि अपन लें, म्यूजिक, तो म्यूजिक की है 10 से लेके 15 kHz, ठीक है. टीवी का भी मैंने बताया था आपको, टीवी का होता है 5 से लेके 7 MHz, राइट. और फिर टेलीग्राफ चैनल, टेलीग्राफ चैनल का होता है 120 से लेके 240 Hz, ठीक है. ये टेलीग्राफ चैनल कौन से होते हैं? टेलीग्राफ ये जो इसमें क्या कहते हैं, टेलीफोन में यूज करते हैं, समझ गए, ठीक है. तो जो टेलीफोन में यूज करते हैं ना, अपने लैंडलाइन वगैरह में भी यूज करते हैं, टेलीग्राफ चैनल यूज करते हैं, ठीक है, टेलीग्राम वगैरह भेजते हैं, पहले होते थे काफी इस तरह की चीजें, तो उनको भी जो देते थे टेलीग्राम आते थे उनके थ्रू. तो ये जो चैनल है वो इतना इसका बैंडविड्थ है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप समझ गए ना, ग्रेटर बैंडविड्थ कैसी हुई कि यदि हम ऑडियो फ्रिक्वेंसी तक कर लेते तो वहां पर हमें, हमारे पास जो है जो कैपेसिटी है वो कम है, और यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटी ज्यादा है, तो हम बहुत सारे चैनल जो है उसके एक साथ उसी कैरियर पे भेज सकते हैं, तो हमारा काम आसान हो गया, ठीक है ना. तो इसीलिए अब जो करंट ट्रेंड है माइक्रोवेव्स का, दैट इज टू यूज माइक्रोवेव्स मोर एंड मोर इन वेरियस लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस. कौन से कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस? जस्ट एज टेलीफोन नेटवर्क्स, टेलीफोन नेटवर्क्स, then another TV network, okay, then space communication, space communication, defense, railways and so on, है ना, कई हैं, अब देखेंगे और डिटेल में भी देखेंगे अपन इसको, defense में, railways में, right, and so on. So this is about the अपन बात करते हैं bandwidth, है ना, increased bandwidth availability. Then we come to another line of sight propagation. Next point is LOS, line of sight, line of sight. इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में, अभी आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन, ठीक है ना. लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन का मतलब क्या है कि ये सीधी चलती हैं, है ना, सीधी, मैंने अभी जैसे आपको बता दिया, फैल रही नहीं है इस तरह से, ठीक है, बाकी की तरह ये सीधी चल रही है. सो दैट इज कॉल्ड LOS प्रोपेगेशन, ठीक है. अब ये सीधी चलने के कारण इनकी एनर्जी भी ज्यादा है, इनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, इनकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है. तो इसलिए ये जो माइक्रोवेव्स हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय आयनोस्फेयर. आयनोस्फेयर आप लोगों को पता है? यस और नो? नो सर. नो, ओके. एक थोड़ा सा मैं बता देता हूं, फिर डिटेल में अपने को पढ़ना भी है इसको, कि आयनोस्फेयर जो है ना, ये जैसे अर्थ है ना, तो अर्थ के चारों तरफ क्या एटमोस्फेयर है यहाँ पे इसमें, और फिर इसके ऊपर और डिफरेंट रीजंस आते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर आता है और ट्रोपोस्फीयर आता है एंड सो ऑन, आयनोस्फीयर आता है, तो ये डिफरेंट रीजंस अपन स्टडी करेंगे. तो ये जो आयनोस्फीयर है, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत हल्की हो जाती है आपकी जो ये है, और जो पार्टिकल्स है दे गेट्स आयोनाइज्ड. व्हाई दे गेट्स आयोनाइज्ड? दिस इज योर आयनोस्फीयर,
एट फार ऑफ डिस्टेंस आइनोस्फेयर, ठीक है। ये किसके कारण फॉर्म होता है, कि यहां पे जो सन है, सन से जो हीट आ रही है, हीट के कारण जो है ये यहाँ पे इनके आयन फॉर्मेशन हो जाता है, एंड वो क्या होती है, एक लेयर बन जाती है। तो जब यहां से सिग्नल भेजा जाता है अर्थ से, सो दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय दिस आइनोस्फेयर एंड इट कम्स बैक, ठीक है। तो ये जो स्मॉल फ्रीक्वेंसीज है उनके साथ होता है, परंतु जो माइक्रोवेव है, दैट इज दिस आइनोस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट टू दैट, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे माइक्रोवेव जिसको सीधी क्रॉस कर जाती है, और सीधी क्रॉस करके यहां पर आपका सेटेलाइट है, तो सेटेलाइट को पहुंचती है, और सेटेलाइट से फिर हमारे पास अलग अलग स्टेशन पे सेटेलाइट जो है वो सिग्नल भेज देता है, तो इस तरह से वो मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन मीन्स द माइक्रोवेव्स दे ट्रेवल बाय लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना, एंड देयरफॉर सैटेलाइट एंड टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन लिंक्स जो है वो माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करती है। ओके, समझ में आ गई बात ये। देन वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिड्यूस्ड फेडिंग इफेक्ट, रिड्यूस्ड फेडिंग इफेक्ट एंड हायर reliability, अब आपने यदि देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि FM भी आप जैसे मान लो बजा रहे हो, तो दोपहर के टाइम पे कभी कभी खरखर 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 सुनाई देने पड़ जाता लगता है उसमें, ठीक है ना, सिग्नल वीक होने लगते हैं FM के, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी लो है FM की फ्रीक्वेंसी, तो उनके सिग्नल जो है वो क्या है, उनकी फेडिंग होती है, उनके फेड हो जाते हैं, ठीक है ना। एंड व्हाई दे गेट्स फेडेड अप, कि दैट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस, जो दोपहर में होते हैं सन हीट ज्यादा हो जाती है, एटमॉस्फेयर में चेंजेस होने लग जाते हैं, तो इस कारण से जो सिग्नल्स हैं उनका फेडिंग, फेडिंग मतलब कम हो जाना, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाना, उनकी एनर्जी कम हो जाना, दैट इज कॉल्ड फेडिंग, ठीक है ना, तो उनका फेडिंग हो जाता है। परंतु जब माइक्रोवेव जो है वो अपन यूज करते हैं, तो वो उसमें ये फेडिंग इफेक्ट जो है वो बहुत कम हो जाता है आपके स्मॉल फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के तुलना में, ठीक है ना, क्योंकि माइक्रोवेव सिग्नल जो है दे ट्रेवल बाय द लाइन ऑफ साइट एंड दे आर नॉट बेंट बाय द आइनोस्फेयर, ओके है, जैसे कि लोअर फ्रीक्वेंसी करते हैं, एंड देयरफॉर देयर इज लेस फेडिंग इफेक्ट विद माइक्रोवेव्स। तो जब लेस फेडिंग इफेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, अभी सिग्नल सिर्फ सुनने के लिए थोड़ी अपन यूज करते हैं, सिग्नल तो कई तरह से यूज करते हैं, डिफेंस में यूज हो रहा है और दूसरी तरह के पर्पज में यूज हो रहा है, तो वहां पर यदि सिग्नल फेड हो जाएगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो स्मॉल फ्रीक्वेंसी के सिग्नल है वो रिलायबल नहीं होते, ये इनकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमेशा जो है ये सिग्नल जो है आपको प्राप्त होते रहेंगे, फेडिंग नहीं हो पाएगी इनकी, ठीक है ना। सो दिस इज योर रिड्यूस्ड फेडिंग इफेक्ट एंड higher reliability. Then we come to another point, that is low power requirements. है ना, low power requirements. इसका क्या मतलब हुआ, अब यहां पे क्या है कि यदि सिग्नल ज्यादा फेडिंग होती है उसकी, ज्यादा उसमें attenuation होता है या ज्यादा उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ज्यादा पावर की रेज भेजनी पड़ेगी। तो इसलिए जो हमारा जो लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है उसके लिए हमें हाई पावर की आवश्यकता पड़ेगी, कि शुरू में ही हमारे पास ट्रांसमीटर ऐसा होना चाहिए जो हाई पावर का ट्रांसमीटर होना चाहिए, जिससे कि हाई पावर की हम यदि वेव को भेजते हैं तो वो जब तक वहां पहुंचती है जहां तक हमने उसको भेजा है, तो उसकी इतनी पावर हो कि वो वहां पर प्राप्त हो सके, उसके ऊपर नॉइस का कोई इफेक्ट ना हो। परंतु हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जब हम ले रहे हैं, माइक्रोवेव ले रहे हैं, तो माइक्रोवेव में क्या हो रहा है, माइक्रोवेव की हाई फ्रीक्वेंसी है, बहुत ही डायरेक्टिव है ये, है ना, इसकी डायरेक्टिविटी अच्छी है, तो डायरेक्टिविटी अच्छी होने के कारण क्या हो गया कि इसमें हम लो पावर की माइक्रोवेव भेज सकते हैं, जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल है उसकी तुलना में, है ना।
तो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल की तुलना में हम जो है यहां पर माइक्रोवेव में लो पावर का ट्रांसमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका फेडिंग इफेक्ट जो है वो बहुत कम है, आयोनाइज्ड लेयर्स को भी क्रॉस कर जाता है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर को भी क्रॉस कर जाता है, एटमॉस्फेयर में भी इसका फेडिंग नहीं होता, तो इस कारण से माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल हैं उनके लिए क्या जो है लो पावर जो है वो ट्रांसमीटर इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना। इसी से संबंधित है अगला पॉइंट, लो एटेन्युएशन, लो एटेन्युएशन, ओके, लो एटेन्युएशन आपको क्लियर हो गया होगा कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का फेडिंग नहीं होता, मतलब एटेन्युएशन, एटेन्युएशन का मतलब क्या हो गया, एनर्जी में कमी होना, है ना, उसकी इंटेंसिटी में कमी होना। तो इसमें जो माइक्रोवेव्स हैं उनमें क्या होता है, जो इंटेंसिटी में कमी है वो काफी कम है, किसकी तुलना में, लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल की तुलना में, ठीक है ना। तो जब भी आयोनाइज्ड लेयर को ये क्रॉस करते हैं तो इनका एटेन्युएशन बहुत कम होता है, ठीक है। सो दैट इज योर नेक्स्ट पॉइंट। देन इसके बाद का पॉइंट था ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोवेव्स, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोवेव्स, ओके, दिस वाज द नेक्स्ट पॉइंट। अब ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी क्या चीज है, अभी मैंने जैसे आपको बताया था आयोनाइज्ड लेयर वो ट्रांसपेरेंट है इनके लिए, माइक्रोवेव्स के लिए, ट्रांसपेरेंट का मतलब उसके गो थ्रू, पास हो जाना, कोई भी यहाँ पे ऑब्स्टेकल है, मान लीजिए ये ऑब्स्टेकल है, यहाँ से माइक्रोवेव आ रही है तो माइक्रोवेव रिफ्लेक्ट ना हो, ये नहीं हो इसका, ये सीधा इससे पास हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, है ना। जैसे ग्लास आप जानते हैं, ग्लास के ऊपर आप जब लाइट डालते हैं तो ग्लास से लाइट पास हो जाती है, सो दैट इज द ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, ठीक है ना। और यदि आप लकड़ी के ऊपर डाल देंगे तो वो पास नहीं होगी, सो दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, दैट वुड इज नॉट ट्रांसपेरेंट टू लाइट, ठीक है ना। तो इस तरह से जो माइक्रोवेव्स हैं दे कैन पास थ्रू एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर से भी पास हो जाती है और वो आयनोस्फीयर से भी पास हो जाती है, सो दैट इज देयर ट्रांसपेरेंसी बिहेवियर, आयनोस्फीयर से भी वो पास हो जाती है और सैटेलाइट तक पहुंच सकती है और आगे ऊपर भी और भी उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है ना एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में, क्योंकि माइक्रोवेव काफी दूरी तक जा सकती है, ठीक है। फिर इसके कारण जो है ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी के कारण एक चीज जो और है वो है डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ये वर्ड आता है डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि यहां से ट्रांसमीटर से हमने वेव भेजी, ये ट्रांसमीटर है आपका और ये रिसीवर है आपका, तो ट्रांसमीटर से हमने भेजी वे माइक्रोवेव, यहाँ पे सैटेलाइट है आपका, सैटेलाइट ने उसको रिसीव किया और रिसीव करके वापस इसको यहाँ पे भेज दिया है, ठीक है। और उसी तरह से इसने भी मान लो जो सिग्नल भेजा और इसने यहां भेज दिया, सो दैट इज योर डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। जैसे अपन मोबाइल में बात करते हैं ना, जैसे हम यहां से आपसे बात कर रहे हैं, अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आप जवाब दे देते हो, तो क्या होता है ये सारा किसके कारण पॉसिबल है, इस माइक्रोवेव के कारण पॉसिबल है, ठीक है ना। इस तरह से जो है ये इसका डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से होता है, ठीक है ना। और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ग्राउंड स्टेशन एंड स्पेस व्हीकल्स, अब स्पेस में जो छोड़े जाते हैं स्पेस व्हीकल्स जो जाते हैं आपके, है ना, स्पेस में यहाँ पे व्हीकल है स्पेस में, ठीक है, तो इनके साथ जो कम्युनिकेशन है वो माइक्रोवेव के साथ ही संभव है, बाकी के साथ तो हो नहीं सकता। यहाँ पे आपका स्टेशन है ग्राउंड पे, यहां से इसको सिग्नल जा रहा है और उसके हिसाब से फिर स्पेस व्हीकल में जो भी चेंजेस करने होते हैं वो सारे चीजें इसमें किए जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज पॉसिबल कि इसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा ग्राउंड स्टेशन और स्पेस व्हीकल्स के बीच में। एंड देन लास्ट इज द यूज इन रडार सिस्टम, है यूज इन रडार, रडार तो आपने सुना होगा, सुना है सबने रडार, हेलो, यस सर,
रडार में, रडार क्या होता है, क्या काम करता है, कोई नहीं बता सकता? रडार का फुल फॉर्म बता सकते हो? नहीं बता सकते हैं? रेडियो एडेड डायरेक्टिव नो, डिटेक्शन एंड रेंजिंग. क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. समझ गए? है ये रडार का फुल फॉर्म है, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. तो इसका क्या है, रडार में क्या यूज होता है कि जो टारगेट होता है ना, अब जैसे मान लीजिए यहाँ प्लेन है ना, इसका पता करना है, तो यहाँ जो रडार होता है, रडार से माइक्रोवेव भेजी, ठीक है, तो माइक्रोवेव यहां से जाके और वापस टकरा के इससे वापस आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मेटल से टकरा के वापस आती है, मेटल से पास नहीं होती माइक्रोवेव, तो इससे टकरा कर और वापस आती है, तो इसके बीच का जो टाइम है वो जान लिया जाता है, और उससे मालूम पड़ जाता है कितनी दूर पे है टारगेट और किस डायरेक्शन में है, ये दोनों चीजें पता लग जाती है, ठीक है ना. तो इससे इस टारगेट का पता लग जाता है रडार से, तो मिलिट्री में काफी यूज होता है इसका, है बहुत यूज हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, काफी यूज हुआ था रडार का प्लेन्स को गिराने के लिए, ठीक है. तो इस तरह से इसको रडार में माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज को यूज किया जाता है. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव्स. तो आज अपन इतने ही, कल अपन देखेंगे इनकी एप्लीकेशंस माइक्रोवेव्स की. ओके.